नमस्कार, सिंपल केरला रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केरला स्टाइल उल्ली वड़ा। उल्ली मतलब प्याज या बड़ा कांदा। गर्मा गर्म चाय के साथ उल्ली वड़ा खाना बहुत मज़े की बात है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। उल्ली वड़ा बनाने के लिए 3 मीडियम साइज वाला प्याज लंबा कट करने का इस तरह, 1 छोटा पीस अदरक वो भी छोटा छोटा कट करने का, 2 हरी मिर्ची वो भी छोटा छोटा करने का, 2 या 3 वो आपका तीखापन के अनुसार लीजिए, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ। अब हम बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के लिए बिल्कुल पानी नहीं यूज कीजिए। अब हम इसे 10 मिनट बंद करके रखेंगे, इससे प्याज का पानी अच्छे से निकलेगा। 10 मिनट हो गया। आधा कप मैदा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा मैदा कम लगा, इसलिए मैंने 2 बड़ा चम्मच मैदा और डाला। आपको जब भी ऐसे अच्छे से मिक्स करने का टाइम पता चलेगा मैदा कम या ज़्यादा है, उस समय आपके अनुसार वो एडजस्ट कीजिए। इस तरह मिलेगा हमको मिक्स करने का टाइम। दोनों हाथों को अच्छे से पानी में भिगोकर इस तरह हम छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। फिर दोनों हाथों के बीच में रख के इस तरह थोड़ा सा प्रेस कीजिए, उल्ली वड़ा का शेप हो गया। केरला की छोटे छोटे चाय के दुकानों के सामने एक कांच का अलमारा होता है, उसमें तरह तरह के स्नैक्स बना होता है। उन स्नैक्स में से एक है ये उल्ली वड़ा। गर्मा गर्म चाय के साथ इनको खाना बहुत मजे की बात है। अब हम उल्ली वड़ा को फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई पे थोड़ा तेल लेकर मीडियम फ्लेम पे गरम करने का। मैंने 1 कप तेल लिया, मीडियम फ्लेम पे रख के इस तरह एक एक उल्ली वड़ा डाल के दोनों साइड अच्छे से फ्राई कीजिए। इस तरह हम अच्छे से दोनों साइड को फ्राई करने का 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके रिपीट करके फ्राई करते हैं। एक साथ नहीं फ्राई करो क्योंकि उल्ली वड़ा जल जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास वाला बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले ही मिले। हमारा गर्मा गर्म उल्ली वड़ा रेडी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर भी कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। आपका जो भी अच्छा या बुरा फीडबैक है मुझे कमेंट कीजिए। एक अच्छा केरला रेसिपी के साथ अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।